नमस्कार, आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज, हर कदम खबर की ओर। मैं हूं आपके साथ अर्शी शेख और आज 21 अप्रैल है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। चंद्रपुर शहर में बढ़ते तापमान के कारण शहरवासियों की दिनचर्या में आ रहा है बदलाव। दोपहर की तपती धूप से बचने के लिए सुबह से ही नागरिक निपटा रहे हैं अपने काम। गर्मी की बढ़ती कमान से बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है असर। आने वाले दिनों में लू लपटे और तेज होने की संभावना जता रहा है मौसम विभाग। अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दे और तेज गर्मी में बाहर ना निकले, ऐसा आह्वान प्रशासन द्वारा जनहित में किया गया है जारी। सांसद बालू धानोरकर पर सहकारी संस्था के कर्मचारियों को धमकाने का आरोप लगाया गया। धमकाने के इस मामले में ठाकरे नामक कर्मी ने पुलिस थाने में की शिकायत दर्ज। गरमाते इस मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने कसा तंज और कहा कि सांसद द्वारा अपनी गरिमा को जतन करने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि वो धमकाने की बजाय अन्य विकास कार्यों की ओर ध्यान दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वेकोली से कोयला चोरी होने के अक्सर कई मामले प्रकाश में आए और चोरी करने वालों पर कार्रवाई भी हुई। हालांकि ये बात कुछ और है कि इनमें से 90% कोयला चोर कभी किसी के हाथ नहीं लगे। इस मामले में कोयला चोरों की अधिकारियों से मिली भगत के संदेह को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कल घुघुस रेलवे पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए 3 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि सुरक्षा बल होने के बावजूद कोयला चोरी के मामले कैसे आ रहे हैं सामने। आज तक महुए से बनी शराब को अवैध रूप से करार दिया जाता था, मगर कैबिनेट के फैसले से अब महुए की शराब ने भी शराब की दुकानों में बना ली है अपनी जगह। महुए की शराब के साथ गोवा में अधिकतम बिकने वाली फेनी को भी मिल गई है रजामंदी। अब सभी दुकानों में महुए तथा फेनी को वैध रूप से खरीद पाएंगे ग्राहक। इस निर्णय से राज्य के राजस्व में भी होगी बढ़ोतरी और उत्पादनकर्ताओं को मिलेगा लाभ। पिछले महीने में कोरोना के सभी निर्बंध हटाए जाने के कारण व्यापारियों तथा नागरिकों ने भी ली थी राहत की सांस, मगर देश में अब दोबारा कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण देश में सर्वप्रथम दिल्ली सरकार द्वारा मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही मास्क ना पहनने पर ₹500 का जुर्माना भी लागू कर दिया। साथ ही मुंबई में भी कोरोना मरीजों की संख्या ने फिर पकड़ी है रफ्तार। इस बात को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा किया गया बयान कि अभी खतरा टला नहीं। राजुरा के जामा मस्जिद के समीप स्थित स्नेहदीप गारमेंट में लगी भीषण आग। इस आग में दुकान में रखे सभी वस्त्र जलकर हुए खाक। राजुरा और बल्लारपुर के अग्निशमन दल द्वारा इस आग पर काबू पाया गया। अक्सर देखा गया है कि कई प्रतिष्ठानों में रात में ही आग लगती है। शॉर्ट सर्किट रात को ही क्यों होता है, इसका क्या कारण है, ये अभी भी गुलदस्ते में है। राज्य में कई बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले तथा पदोन्नति की गई, जिसमें चंद्रपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी का नाम भी है शामिल। अपने कार्य से पहचान बनाने वाले अतुल कुलकर्णी का तबादला जालना के पुलिस अधीक्षक के रूप में हुआ है। उनके तबादले तथा पदोन्नति पर पुलिस विभाग द्वारा उन्हें बधाइयां दी जा रही है। गौरतलब है कि पिछले 1.5 साल से वो चंद्रपुर जिले में अपनी सेवा प्रदान कर रहे थे। मंगलवार की रात ब्रह्मपुरी आरमोरी मार्ग पर स्थित पांचगांव रुई के पास एक अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, जिसमें मोटरसाइकिल सवार हुआ बुरी तरह जख्मी। उसे जख्मी अवस्था में उपचार के लिए ब्रह्मपुरी ले जाया गया, किंतु दुर्भाग्यवश उपचार के दौरान ही उसने तोड़ दिया दम। गौरतलब है कि ये दुर्घटना जहाँ घटी वह स्थान पांचगांव के प्रथमेश बार के समीप था। राज्य में सबसे ज्यादा गरमाए जा रहे भोंगे के मुद्दे पर आज होगा फैसला। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की चेतावनी के कारण इस मुद्दे पर कई टिप्पणियां व्यक्त हो रही है, जिसके चलते राज्य में शांतता एवं सुव्यवस्था के मुद्दे को लेकर राज्य के गृह मंत्री द्वारा बुलाई जाएगी बैठक और इस बैठक में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे को भी किया जाएगा शामिल।
आज सबसे ज्यादा अपनाए जा रहे लिव इन रिलेशनशिप पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जताया गहरा एतराज। इस रिलेशनशिप को अभिशाप करार देते हुए उन्होंने कहा कि इस कारण यौन अपराधों में हो रही है बढ़ोतरी। इस तरह रखे गए रिलेशनशिप में महिला के साथ बार बार दुष्कर्म, उसकी सहमति के बगैर गर्भपात तथा धमकाने की कई घटनाओं के कारण हाईकोर्ट द्वारा ये बयान जारी किया गया है। तो ये थी आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट, और ऐसे ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए सीटीवी न्यूज़, हर कदम खबर की ओर। नमस्कार।